फ्रेंड जी सी शाम। तो फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूँ पकोड़ा चार, जो बहुत ही ईजी है, मतलब न्यू रेसिपी है यार, एक बार जो ट्राई करके देखे। तो मैं ये बना रही हूँ केले से, कच्चे केले जो होते ना, तो फ्रेंड उनसे बना रही हूँ। तो वो जो ना केले सब धो के रखे हुए थे मैंने, धो के फिर बाद में मैंने डाले इसमें कुकर में, और पानी डाला, और फिर फ्रेंड एक ही सीटी लगानी है इसमें, एक सीटी में ये गल जाएंगे। और ये देखिए एक सीटी के बाद मैंने जब कुकर खोला तो गर्म हो रहा था, जब मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं, और प्लेट में निकाल जब ठंडा हो जाएगा तब मैं छीलूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स हो चुके हैं ठंडे केले, तो मैंने सारे केले मैं छील लेती हूँ, और मैंने छील लिया। अब इनको छोटे छोटे स्लाइसिस में कट करने हैं, आप लंबे भी थोड़े से कर सकते हो, बट मैंने गोली करें। और अब क्योंकि उनके बनाने हमें पकोड़े, तो ये देखिए हम सारे हो गए हैं, मतलब रेडी है, कट के तैयार हो चुके हैं। अब करना है इसे तैयार। तो मैंने एक बॉल में इसको कर लिया है ट्रांसफ़र। अब जो दो चीज़ें डालनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें डालनी है। मैंने डाली हरी मिर्च, तो आप स्किप भी कर सकते हो, और ये डाला है हरा धनिया, नमक, और क्या कहते हैं ये डाल नमक टेस्ट का अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये जो होता है राजगिरा का आटा होता है, यानी कोटू का आटा जो होता है, तो आप सिंगाड़ी के आटे से भी बना सकते हो, मतलब कोटू का आटा थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, तो क्योंकि ना सिंगाड़ी थोड़ा सा मीठा मीठा रहता है, तो वो मैंने डाल दिया। और थोड़ा थोड़ा पन करके पानी आप डाल लीजिएगा, जैसे पकौड़े के लिए आप तैयार करते ना। तो फ्रेंड देखिए बैटर हो गया तैयार। तो अब ये मैंने ना कढ़ाई पहले से रखी हुई थी गैस पे गर्म होने के लिए, तो अब इसमें मैं पकोड़े, मतलब थी छोटे छोटे साइज़ के, अब आप बड़ा साइज़ भी ले सकते हो, तो छोटे छोटे साइज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि अपन मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़ा चार, तो मैंने छोटे छोटे कर रहे हैं, तो आप बड़े बड़े भी आप कर सकते हो, कोई नहीं, बड़े बनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड अब मैंने एक एक करके सब मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें ना थोड़ा सा ना लो फ्लेम पे रखिएगा, मतलब मीडियम पे, वैसे तो गले हुए हैं ये तो बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और ये देखिए मतलब बन चुके हैं, अब मैं एक प्लेट में से इनको निकाल ले रही हूँ सब पकौड़ों को। और अब फ्रेंड मैंने प्लेट में रख दी है। अब इसमें मैंने सबसे पहले डाली मीठी चटनी, और फिर डाली मैंने ये हरे धनिया पुदीने की चटनी, और उसके बाद फ्रेंड मैंने थोड़े से कटे हुए डाले थे खीरा डाला था, और आप ना टमाटर भी डाल सकते हो, मगर मैं टमाटर नहीं। तो फ्रेंड इससे सब खा के देखिएगा, यहाँ बहुत अमेजिंग बने थे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।